सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक हो, मैं दुआ करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी, बना रही हूँ मच्छी का सालन मेरे तरीके से। चलो देखते हैं क्या लगता है उसमें। ये मैं 700 ग्राम मच्छी ली हूँ और ये इसको अच्छे से मैं साफ करके धो ली हूँ, इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में। कौन सी मच्छी अम्मी है? ये रूह मच्छी है ये। और मैं मुट्ठी भर इमली ली हूँ, इसको अच्छे से साफ करके भिगो ली हूँ। और मैं 2 चम्मच धनिया ली हूँ और मुट्ठी भर मैं कड़ी पत्ता ली हूँ, 1/2 चम्मच काली मिर्च ली हूँ और थोड़ा मैं मेथी दाना ली हूँ, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ही ली हूँ। और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा ली हूँ और 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक ली हूँ। ये मैं 3 बड़े टमाटर काट ली हूँ और 1 मीडियम साइज की बड़ी प्याज काट ली हूँ। ये मैं मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी ली ना और इसको मैं डाल के इसको अच्छे से थोड़ा मसाला लगा के मैं है ना 1/2 घंटे के लिए रख देती हूँ। ये इसको मैं अच्छे से मसाला लगा ली हूँ और इसको मैं 1/2 घंटे के लिए रखती हूँ, नहीं तो ये फीकी फीकी रहेगी मसाला नहीं लगाई तो। इसके लिए मैं इसको नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर लगा ली, उसको रख देती हूँ मैं 1/2 घंटे के लिए। और ये सब मसाले है ना मैं इसमें भून लेती हूँ। मैं धनिया डाल देती हूँ और काली मिर्च भी डाल देती हूँ और मेथी दाना डाल देती हूँ और ज़ीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के इसको भी हल्का सा ब्राउन होने तक भून के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सूखे मसाले निकाल ली हूँ भून के और मैं 1/2 चम्मच तेल डाल दी हूँ उसमें। इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ और 1 कांदा भी डाल के थोड़ा हल्का सा भून देती हूँ मैं। ये देखो इस तरह से मैं तल ली हूँ तेल में। ये क्या कच्चा डालेंगे तो प्याज की और टमाटर की कच्ची बास आती है, कच्ची स्मेल सालन में। अभी इसको मैं ठंडा करके पीस लेती हूँ, धनिया और ये सब पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं कढ़ाई में तेल डाल लेती हूँ, वो सब मसाले हमारे ठंडे होने तक मैं मच्छी को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तेल गरम हो चुका है हमारा, इसमें मच्छी को छोड़ती हूँ। स्मेल आ रहा है दही। इसको अच्छा मैं अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड हो गया है फ्राई हमारा और एक साइड में पलटा के फ्राई कर लेती हूँ। ये अच्छे से हमारी मच्छी फ्राई हो गई है, तो मैं निकाल लेती हूँ इसको। सारी मच्छी मैं तल के दिखाती हूँ आपको। ये सारी मच्छी मैं तल के निकाल ली हूँ और ये मसाला भी पीस के हो गया है मेरा। अभी सालन बघारती हूँ मैं। चलो सालन का बघार करते हैं। चलो सालन बनाने की तैयारी। मैं है ना कढ़ाई में है ना जो मच्छी फ्राई करी थी वही कढ़ाई ले ली हूँ और तेल भी वही डाली हूँ, 2 बड़े चम्मच तेल डाल ली हूँ मैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं ज़ीरा राई डाल दी हूँ और ये जो मसाला मैं पीस ली थी वो भी डाल देती हूँ। इसमें मसाले को अच्छे से भून लेना है, कच्ची बात नहीं रहना चाहिए। और इसमें मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, डाल के इसको अच्छे से मसाले को मैं भून लेती हूँ। तो इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ मैं 1/2 चम्मच और 1 चम्मच भर के मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसमें। और नमक मैं 1/2 चम्मच डालती हूँ क्योंकि मच्छी में भी लगाए थे, देख के डालते हैं इसमें। मसाले को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तेल छूट गया है देखो, अच्छे से भून गया है हमारा मसाला। और इसमें मैं है ना इमली का खट्टा निकाल ली थी वो भी डाल देती हूँ। और इसमें हम लोग को जितना पतला चाहिए उतना पानी देख के डाल लेने का। किसकी किसकी पसंद रहती, किसको घट खाने का पसंद है, किसको पतला खाने का। मेरे घर में है ना पतला नहीं, ज़्यादा घट नहीं, मीडियम खाते हैं। और मिक्सर का जार में धो के वो भी पानी डाल देती हूँ इसमें।
और इसको अच्छे से पकने देते हैं अभी, और इसमें थोड़ा अच्छे से उबाल आने तक पकने देते हैं। और थोड़ा कड़ी पत्ता मैं ऊपर से डाल देती हूँ, खुशबू अच्छी आएगी इसमें। ये देखो अच्छे से पक गया है हमारा मसाला सालन का ग्रेवी। मच्छी छोड़ देती हूँ मैं इसमें एक एक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से छोड़ देती हूँ एक एक पीस करके। अच्छे से मैं मच्छी छोड़ दी हूँ इसमें, ताकि इसमें मच्छी का फ्लेवर अच्छे से जाके इसमें सालन में मिक्स हो जाए, और सालन का भी मच्छी में जाके अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे सा टेस्ट आएगा हमारा पकेगा तो। थोड़ा एक 5-6 मिनट में स्लो गैस पे पकने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सालन अच्छे से पक चुका है, इसमें थोड़ा मैं एक मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देती हूँ। डाल के मैं थोड़ा हल्के से इसको मिक्स करके अभी गैस बंद कर देती हूँ, आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारा मच्छी का सालन बनके तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी बना है। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, दुआ मुझे याद रखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब तक अल्लाह हाफिज़।